हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैसेज डिलीटेड को कैसे रीस्टोर करें। तो दोस्तों, उसके लिए आपको जैसे मैं बताता हूँ करना क्या है। दोस्तों, आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है। तो जैसे ये देखिए, नोटिस सेव करके एक ऐप है, ये आपको इंस्टॉल करना है। और इसको कैसे ये वर्क करता है मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। तो नोटिस सेव को सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। यहाँ पे ये इन्फो टेक्निकल आरसी की आ रहा है और यहाँ नीचे मैंने ये देखे नोटिस सेव, ये देखिए व्हाट्सएप चैट डिलीट रीस्टोर करके एक ऐप दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऐप क्या करता हूँ मैं इसको पहले आपको पूरा बताता हूँ कैसे करते हैं। ये मैंने क्लियर डेटा कर दिया अपना, आपको कुछ नहीं करना नहीं है, आपको इंस्टॉल करना है, फिर नोटिस सेव को खोलना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोटिस सेव खुल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ से अलाउ कर देना है, यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट करना है, यहाँ से ये देखिए नोटिस सेव आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना है, बैक आना है, यहाँ से अलाउ कर देना है। ये लोडिंग ऐप लिस्ट जितने भी आपके ऐप हैं उनको लोड करेगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑल ऐप कर देना है, है ना, है ना। ऑल ऐप करने के बाद ये किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन सेव नहीं करेगा, ओनली बस व्हाट्सएप को हटा देना है। और किसी का भी कर सकते हो आप, अदर का भी कर सकते हो, जैसे फेसबुक वगैरह का भी कर सकते हो। तो व्हाट्सएप का कर लिया मैंने ओनली, है ना, और यस आई विल यहाँ पर कर देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से क्या करता हूँ मैं इस ऐप को हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने। अब क्या करता हूँ मैं इस ऐप से क्या करता हूँ दोस्तों, मेरे पास दो व्हाट्सएप है, एक ये रहा, है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैसेज भेजता हूँ, हाय राम, है ना, और यस मैसेज भेज दिया। ये देखिए मेरे पास मैसेज आ गया, ठीक है, रामचंद्र कुमावत। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ और यहाँ से इस मैसेज को मैं डिलीट फॉर एवरीवन कर देता हूँ। तो मेरे दूसरे वाले व्हाट्सएप पे ये मैसेज डिलीट हो चुका होगा, ये देखिए दिस मैसेज वाज डिलीटेड। मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 21:51 पे दिस मैसेज वाज डिलीटेड। और ये जो अब इसको मैसेज को मेरे को देखना कैसे है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए ऊपर से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये देखें नोटिफिकेशन सेव्ड 2 आ रहे हैं नोटिस सेव के। और यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए, देखिए हाय राम करके मैसेज आया था जो बाद में दिस मैसेज वाज डिलीटेड। तो ये देखिए आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो ऐप जो मैसेज जिस बंदे ने डिलीट कर दिया था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। जैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए यहाँ से क्या करता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ इनको डिलीट फॉर एवरीवन कर देता हूँ, यस, ठीक है। और मैं दूसरा वाला व्हाट्सएप खोल लेता हूँ, ठीक है, दूसरा वाला, ये देखिए 4 मैसेज आए हुए हैं, सबके सब डिलीटेड है, मैं इनको पढ़ ही नहीं पाया, उसने तो डिलीट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ अपने उसमें नोटिस सेव में जाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए 5 नोटिफिकेशन आए नोटिस सेव के, ये देखिए 5 यहाँ पर आ रहे क्लिक, और यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए HKJV इसने ये लिखे थे फिर इसने डिलीट कर दिए। तो दोस्तों आप ऐसे किसी भी मैसेज को डिलीट होने से बचा सकते हो और पढ़ सकते हो किसी का भी मैसेज। तो आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत प्यारी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, और हमारे चैनल लर्निंग एज्यू पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।